एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके कल जो आपका एग्जाम है उसमें बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी और हमारी पूरी टीम ने जो है जो मेहनत करी है, जो पूरी शिद्दत के साथ में आप सभी का साथ दिया है, उम्मीद है आप सभी को बहुत सारी हेल्प भी मिली हुई होगी। ठीक है, अब लेकिन बात करते हैं क्योंकि कल एग्जाम है ना, तो आपको एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और छोटी छोटी जो गलतियां लोगों से अभी तक की हुई हैं वो गलतियां आप ना करें, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट, हमारा कल फाइनल एग्जाम वो दिन आ चुका है जिसकी तैयारी इतने दिनों से आप लोग कर रहे थे, है ना। सीटेट एग्जाम जैसा कि थोड़ा सा इस बार चेंज देखने को मिला है, इस बार आपका पेपर टू फर्स्ट शिफ्ट में होगा, पेपर वन जो है सेकंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, लेकिन वही सारी चीजें रहेंगी जैसे अभी तक की आप लोग पेपर दे रहे थे। 250 नंबर का पेपर है, ठीक है, पेपर वन हो या पेपर टू हो, दोनों ही 250 नंबर के पेपर है और पूरे पेपर को करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, सभी बच्चों को 2.5 घंटे ही मिलेंगे। ठीक है, और इसी में ही आपको कमाल करके दिखा के आना है कल की डेट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर टू की और पेपर वन की। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर टू में हमारे चार सब्जेक्ट में, जिसमें कि आपको पता है सीडीपी सब्जेक्ट सबसे पहले आपका रहता है, फिर आपका मैथ्स या फिर साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, इसके अलावा जो बच्चे SST वाले रहते हैं SST लेते हैं, इसके अलावा लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, इसमें आप जो भी लैंग्वेज लिए रहते हो, तो कुल मिलाकर के एक सब्जेक्ट और ये तुम्हारे दो सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट। और पेपर वन की बात करते हैं तो आपके 5 विषय आएंगे, है ना, सीडीपी आ जाएगा, सीडीपी के बाद में आपका मैथ्स आ जाता है, ठीक है, मैथ्स EVS, ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। और एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो चुके हैं, तो आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा और आप सभी जो है कल जो एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड प्रॉपर आप अच्छे तरीके से निकाल करके एक जगह पर, एक फाइल आती है ट्रांसपेरेंट वाली, आप उस पे अच्छे से एडमिट कार्ड को अपने निकाल कर रख लीजिए, एक ID निकाल करके उस पर रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा पेन ब्लैक या फिर ब्लू कोई भी पेन ले सकते हो, आपने देखा होगा जनरली आप पहले तो मतलब अभी भी आते हैं पतले वाले पेन भी आते हैं जो कि हम लोग डेली लिखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक मोटे वाले पेन आते हैं, ठीक है, बॉल पॉइंट जिसको बोल सकते हो, ठीक है, बॉल पेन जिसको बोलते हो, है ना, एक मोटी निब जिसकी रहती है, ठीक है, मोटी निब जिसकी रहती है, आप उस तरीके का पेन आप ले लो, 10 रुपए का आता है, 10-20 रुपए का, तो 2 पेन करीबन वो ले लो और एक पतला पेन भी लिख सकते हो ताकि फ्लो में सॉल्व करो। और हाँ, उस पेन को ना थोड़ा सा चला भी लेना पहले से ही, है ना, खींचा पची कर लेना, ठीक है, ताकि पेन वहां पर प्रॉपर अच्छे से चल जाए। बाकी OMR शीट फिल करने की प्रैक्टिस आपने करी होगी, फिर भी हम एक OMR भी लेकर के आए जिसको आप देख करके आपको बहुत सारी चीजें हेल्प मिलेगी। अब बात हम यहाँ पर करते हैं बच्चे ना गलती कहाँ पर कर देते हैं। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, जितने बच्चों से बात करी हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं यही गलतियां करके आते हैं जिसकी वजह से उनको ना हो सकता है ना क्वालिफाई कर पाए, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। एक तो OMR फिल करने में वो गलती कर देते हैं और एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करने में वो गलती कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, जिनका भी लैंग्वेज वन में, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 2 बार इंग्लिश 2 बार हिंदी ये देखने को मिलेंगे, लेकिन बस आप अगर सीक्वेंस को ध्यान रखते हो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। हिंदी के पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश फिर हिंदी इंग्लिश मिलेगा, लेकिन उनकी नंबरिंग चेंज रहती है, पेपर भी अलग अलग रहते हैं। अगर आपने लैंग्वेज वन में हिंदी ली है तो आप हिंदी जो है कौन से नंबर से, 91 नंबर से 120 नंबर तक अटेम्प्ट करोगे, पेपर वन हो या पेपर टू हो। अगर लैंग्वेज टू में आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश 121 नंबर से 150 नंबर वाली करोगे, ये नहीं कि 91 से 120 हिंदी भी कर दिए 91 से 120 इंग्लिश भी कर दिए, नहीं, आप नंबरिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखो कि लैंग्वेज वन के लिए 91 से 120, ये ध्यान, कोई भी लैंग्वेज हो, आपने कोई भी लैंग्वेज से फॉर्म को फिल किया है, लैंग्वेज वन 91 से 120, लैंग्वेज टू 121 से 150। अब आपका कोई भी विषय हो, कोई भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी हो, आप अपने अकॉर्डिंग से वो कर लेना। OMR कैसे फिल करना ये भी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको OMR अच्छे से दिखाई दे रही होगी, है ना,
उम्मीद है आपको एमआर दिख रही होगी, और नहीं भी दिख रही तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एमआर ओएमआर देखने को मिलेगी। या नहीं भी दिख रही है तो हम आपको बता देंगे। जैसे आपको ना इधर रोल नंबर फिल करना है, रोल नंबर आपको फिल करना है, आप अपने एडमिट कार्ड को देखोगे और एग्जाम से ना पहले ही आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। एग्जाम जब से भी आपका शुरू, एक घंटे डेढ़ घंटे पहले ही आप पहुंच, वैसे भी तो पहुंचना ही होता है, एक घंटे पहले आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाना, मतलब एग्जाम सेंटर पर, या उसके एक घंटे पहले आप अपने से भी मार्जिन बना के रखो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए ऑटो रिक्शा पकड़ने में, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा हो ही जाती है, सुबह भी भीड़ मिलेगी, शाम को भी भीड़ मिलेगी, ठीक है। तो आप एग्जाम से बहुत पहले ही पहुंच जाना। रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आप जैसे मान लो टू यहाँ पर फिल करोगे तो टू वाला एक पूरा का पूरा सर्कल आपको इसमें फिल करना है। फिर यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, यानी कि जो आपको एक पेपर मिलेगा ना, पेपर जो आपको मिलेगा उस पे बुकलेट नंबर लिखा होगा, उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे पूरा का पूरा, ये जब मिलेगा तभी आप, जब पेपर वगैरह उससे देख करके भरना रहता है। फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज वन का कोड क्या रहेगा उसका भरना है, ठीक है। लैंग्वेज वन का कोड, जैसे मान लो आपका लैंग्वेज वन में हिंदी है, उसका कोड आप एन फिल कर दोगे। लैंग्वेज टू का कोड क्या है, जो है ओ है, इंग्लिश है ओ, उसका मान लो जो भी कोड है आप वो फिल कर दोगे। तो अपनी लैंग्वेज का बुकलेट जो है, कोड जो है वो वाला यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको अपना पूरा का पूरा आंसर शीट, ये आप देख रहे हो पूरे 150 नंबर तक की है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करना, कैंडिडेट का सिग्नेचर, नाम वगैरह, इन्विजिलेटर का साइन वगैरह, ये सारी चीजें करनी रहती है। फिलहाल ये आप जो पेपर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा 150 शीट नंबर, ये कैसे फिल करना है तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है ना कैसे अटेम्प्ट करोगे। पेपर वन में जो 5 सब्जेक्ट आएंगे आपको पता है, सबसे पहले जो है सीडीपी वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें कि 1 से लेकर के 30 नंबर तक की क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर मैथ्स का रहेगा जो कि 31 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक रहेगा। फिर आपकी ईवीएस 61 से लेकर के 90 तक की रहेगी। फिर आपका हिंदी, मान लेते हैं लैंग्वेज वन में हिंदी है तो ये 91 से लेकर के 120 नंबर तक, और मान लेते हैं लैंग्वेज टू आपका इंग्लिश है तो ये 121 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक रहेगा। कुल मिलाकर के इस तरीके से करना। अब आप क्योंकि कहीं ना कहीं सीटेट का एग्जाम है, आपने पेडागॉजी में बहुत अच्छे से पकड़ बनाई होगी, क्योंकि 90 नंबर की कहीं ना कहीं हर विषय में ही पेडागॉजी आती है। तो शुरुआत आप सीडीपी से कर सकते हो, सीडीपी से ही बच्चे मोस्टली शुरुआत ही करते हैं और फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आपका 2.5 घंटे का टाइम है ना, 2.5 घंटे का टाइम है। ध्यान रखिए किसी भी पेपर को आधे घंटे से ज्यादा टाइम मत दीजिए, मतलब आप इसको 30 मिनट दे सकते हो, इसको भी आप 30 मिनट दे सकते हो, और हाँ अगर 30 मिनट से ज्यादा एक भी मिनट बढ़े कि 32वां मिनट भी पेपर सॉल्व कर ही रहे हैं भाई, जो तुम 30 मिनट में नहीं कर पाए तुम आगे वाले सब्जेक्ट का भी टाइम खा जाओगे, है ना। कभी किसी का क्वेश्चन में फंस जाओ वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि जैसे सीडीपी वाला सेक्शन तुमने अटेम्प्ट किया है तो करीबन 20 से 25 मिनट में तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ढंग से पढ़ के आए हो, हुआ है बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है 2.5 घंटे में, मतलब कि 20 से 25 मिनट सॉल्व करके, और तुरंत ही आप ओएमआर भी फिल कर दो, ठीक है। 30 क्वेश्चन 5 मिनट में फिल कर दो, इससे आपको क्या आसानी रहती। इससे कभी कभी बच्चे ना ये गलती कर देते, पहले का मान लो दूसरा वाला सही, लेकिन कहो वो यहां से ओएमआर फिल करना शुरू कर दो, प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में आकर के वो ऐसा करना कर देते हैं। इसलिए आप लोग फटाफट से पहले पूरे 30 क्वेश्चन बना लो सीडीपी के, फिर एक का दो है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला है, चौथे का तीसरा है, फिर आप फिल करना शुरू करो, और ये देखना है कि पूरा पूरा सर्कल इसका फिल करना, ठीक है, पूरा का पूरा सर्कल आपको इसका फिल करना। फिर आप जो है पेपर वन की बात करें, जैसे मान लो आपको लगता है मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है या मैथ्स हमारी टाइम टेकिंग होती है, टाइम मेरा ज्यादा लग जाएगा, आप तुरंत से ईवीएस में बढ़ जाओ। आपको पता है ईवीएस में भी आपको क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, क्वेश्चन आते हैं तुरंत टिक लगाओगे तुरंत। 30 मिनट आपको मुश्किल से इसको भी देना है, 30 मिनट आप ईवीएस को सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है हिंदी और इंग्लिश या लैंग्वेज वाले, तुम्हारे सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले में आपको पता है कि 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर जो है पैसेज से आता है, पैसेज पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए अच्छा सा हम आपको आइडिया बताते। मैंने भी यही किया था अपने टाइम पर जब हमने पेपर दिया था,
कि सबसे पहले ना जो 15 नंबर पेडागॉजी वाले रहते हैं ना, फटाफट तुमने वो बना लियो। फिर तुमको क्या करना है, पैसेज सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, आप ना पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर तुम पैसेज पढ़ डालो पूरा फटाफट, और जो तुमको क्वेश्चन में जो वर्ड तुम्हें याद रहना उसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते जाओ, किसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। जैसे मान लो इनके बारे में बात चल रही है, इन्होंने एक थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट करते रहो। फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे, पैसेज के क्वेश्चन देखा, तुमको वो वर्ड मिल जाए, फिर उससे रिलेट कराओगे और उसी का ऊपर नीचे, ऊपर की 2 लाइन नीचे की 2 लाइन पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरीके से लैंग्वेज 1 बना सकते हो, फिर लैंग्वेज 2 बना सकते हो, फिर आप मैथ सेक्शन में जा सकते हो। अब मैथ्स वाले बच्चे कहेंगे, अब भाई जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना वो लोग फटाफट मैथ्स करके भी खत्म कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। हम नहीं कह रहे कि आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करिएगा, कि इसके बाद ये आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, बस आपको टाइम बचाना है, टाइम को मैनेज करना है, OMR शीट अच्छे से फिल करनी और पूरे 150 अटेम्प्ट करने, फिर आप, क्योंकि 30-30 मिनट सबको हम दे रहे हैं, फिर आप मैथ वाले सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। मैथ्स में पेपर 1 की बात करते हैं, मैथ्स बहुत ईजी रहती है, मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ LCM HCF और एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही रहते हैं देखने में, मतलब बाकी कुछ कुछ थोड़ा सा टफ रहते हैं। पेपर 2 की मार्क्स थोड़ी सी अच्छे लेवल की रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा पेपर बना सकते हो, और पूरे पेशेंस के साथ में आपको जो है एग्जाम हॉल में बैठना है, और क्या ध्यान रखना है, और आपको पेपर सॉल्व करते समय पूरा पूरा प्रश्न पढ़ना है। भले ही आपको, जैसे मान लो किसी टॉपिक जीन पे आ जाए कि आपको पूरी कहानी पता है, एक एक चीज पता है, लेकिन आपको बता देते आप, भले ही 1000 प्रश्न बना के आए हो जीन पे आ जाए, लेकिन जब 1001वां वाला प्रश्न दिया जाएगा ना, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ना घुमा देता है, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के पूरा लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक आप सही उत्तर नहीं दे सकते हो। इसलिए अपने क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, और अब तो बढ़ा लिए होगे, अब तो आप क्या ही करना है, ले आप स्पीड बढ़ाइए, मतलब बड़ी होगी, ठीक है, तभी आप देखते हो कि मेरी स्पीड में खूब तेजी से क्वेश्चन भगाते हैं, इसी वजह से, ताकि आप अपनी स्पीड मेंटेन रखो। और क्वेश्चन सिर्फ मुंह से नहीं पढ़ना, वो दिमाग में भी जा रहा हो कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, और किसमें निगेटिव पूछ रहा है, किसमें पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सबसे कम वाला पूछ रहे हैं, या कौन सा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़े से बड़े आते कि 3 लाइन पढ़ो, फिर उनमें ABC BAC इस तरीके से छाटो, तो इस तरीके से ध्यान करके आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। उम्मीद है ये सारे स्टेप आपको समझ आ रहे होंगे, यही सारी चीजें हमने भी अपने एग्जाम में करी, कहीं ना कहीं मतलब अच्छा स्कोर था मेरा भी, और मतलब ठीक मतलब बढ़िया था, और सफलता मिली मुझे भी, तो हमें ऐसा लगता है कि यही सारी चीजें आपको भी हेल्प करेंगी। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, तो भाई इसमें भी आप CDP वाले सेक्शन 1 नंबर से 30 नंबर यही से शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा CDP पढ़े हुए रहते हो, जीन पियाजे वायगोस की कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स है, और आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे वाह पेपर बहुत जबरदस्त आया, तुम्हारा बढ़िया से कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया। फिर मैथ साइंस वाले बच्चे और SSC वाले बच्चे, क्योंकि इनका जो है ना 30-30 मैथ रहेगी, 30 साइंस रहेगी, ये ऐसे 60 और SSC वालों का टोटल 60 ये क्वेश्चन रहेंगे, इससे अच्छा है सबसे पहले आप लैंग्वेज को निपटा दो फटाफट, है ना, लैंग्वेज को निपटा दो, ताकि तुम्हारा ये इजी रहते हैं, तुमने फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा हटा दिया। और एक चीज, निगेटिव मार्किंग तो क्योंकि इसमें है नहीं, तो आपको क्या करना, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज भी रहो ना कि पता नहीं क्या होगा, हम इसमें फंस रहे हैं, इसमें मटक रहे हैं, अगर टाइम बचता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सारे करके आना, सारे प्रश्न सॉल्व करके आना, 150 में 150 प्रश्न बना के आना, फिर आप मैथ्स वाले में जा सकते हो, साइंस वाले में जा सकते हो। मैथ्स में टाइम लगता है तो तुम तुरंत से साइंस का पेपर उठा लो, साइंस वाले में फटाफट फटाफट लगाते चलेगा, लगाते चलेगा, अच्छा करके आना जान लो, ठीक है। साइंस में 30 नंबर का रहेगा, और बढ़िया से पूरा पेपर क्वेश्चन को पढ़ना और अच्छे से टिक करके आना, अच्छे से टिक करना, समझ के लगाना क्या बताया गया था, NCERT में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन क्या था, इससे रिलेटेड मैंने क्या पढ़ा था, बस बढ़िया से कर देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर मैथ्स वाले सर ने कितना सारा तुम लोग को थ्योरम वगैरह बता रहा कि पेपर 2 का मैथ्स थोड़ा सा अच्छा आता है, मतलब टाइम टेकिंग रहता है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, मतलब पढ़े हुए रहते तभी कर पाते हो, ऐसा नहीं उड़ा दोगे पेपर 1 की तरह, ठीक है। तो उसमें पढ़े हुए रहते तो उसको सॉल्व कर लो। SSC वाले तो बढ़िया उड़ाना 60 में 60, है ना, थ्योरी वाले बेस्ड रहते हैं, कहेंगे अच्छा आराम से SSC में आने टाप रहती है, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब आप अगर पढ़े हुए हो अच्छे से NCERT तभी आप कर पाओगे। तो आप इस तरीके से इन पेपर को आप अटेम्प्ट करोगे। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि किसमें नहीं वाला करके पूछा है, किसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा है, किसमें सबसे कम
तरीके से पूछा है, ठीक है, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, इन सारी चीजों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और फिर व्यवहार आपको पता है, एक बार में 30, एक बार में 30, 30 मिनट इसको दिए, 30 मिनट इसको दिए, इस तरीके से करते करते तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। पूरे पेशेंस के साथ में आप पेपर को सॉल्व करिएगा, हमें पता एकदम पूरा श्योर है आप बहुत अच्छा करके आओगे। इतने दिनों से आप जो मेहनत कर रहे हो ना, लगातार लगे हो, जितने भी सेशन लिए जाते हैं आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो, अपने जो आपने A4 शीट में नोट्स बनाए हुए हैं आप उसको रिवाइज कर रहे हो, सफलता तुम्हारी निश्चित है, तुम ही सफल होगे, तुम जान लो, ठीक है, तुम्हारी ही, तुम ही एकदम से फोड़ के आने वाले हो पेपर, ठीक है। आप जैसे कि मान लो जो भी टेंशन है कि भाई मेरा तो ये नहीं तैयार है, जब पेपर हॉल जब पहुंच जाओगे, एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओगे, किसी से मत बात करना, शाम से एकदम से जो फ्रेंड्स के साथ में जो चिटचैट लगी रहती है ना, एकदम से कूल हो जाओ, एकदम से शांत हो जाओ कि अब हम बात करेंगे तो कल शाम को बात करेंगे जब हमारा एग्जाम हो जाएगा। अब बिल्कुल दिमाग को शांत रखो, बिल्कुल मनन करो कि कौन कौन से मेरा टॉपिक, ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट में ऐसा लग रहा हो कि लो एक बार से मैं इसको देख लूं, तो उसको देख लो, नया मत पढ़ो, कुछ भी मत नया पढ़ो, रिविजन ही करो, क्वेश्चन भी मतलब अब तो रिवीजन करो, थ्योरी रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, किसी का मेन पॉजिटिव नेगेटिव तुमने पॉइंट्स देखे वो रिवाइज करो, ये करने का समय है तुम्हारा। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं हमारी टीम की तरफ से, आप सभी को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी, उसमें आप अपनी थोड़ी सी डिटेल भर दीजिएगा एडमिट कार्ड के बारे में, क्योंकि ये क्यों एडमिट कार्ड लिया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हमारे एकदम से फोड़ने वाले हैं ना एग्जाम, सब फोड़ोगे मुझे पता है, सारे ये जो है ना गिव अवे जो दिया जा रहा है टीचिंग वाला की तरफ से, है ना, कुछ बढ़िया बढ़िया सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है, सारे फोड़ के आओगे, सारे गिफ्ट लेकर के जाओगे, हम चाहते हैं गिफ्ट हमारे आप ही लेकर के जाओ, ठीक है। तो सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड के बारे में आपका कुछ एडमिट कार्ड मांगा गया उसमें बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन वो फिल कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी चीजें आपके लिए लेकर के आए वो आपको मिले, एक गिफ्ट टीचिंग वाला की तरह से छोटा मोटा सा या बड़ा सा गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, पेन भी मिले तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गिफ्ट हमारे आप लेकर के जाओ। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट हमारी पूरी टीचिंग वाला टीम की तरफ से, आप बहुत अच्छा करके आओगे, पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, और इस बार के टॉपर ना आप ही हो, इस बार के टॉपर आप हो, इस पूरी उम्मीद के साथ में आप पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। और एक चीज लास्ट में बताना चाहेंगे, देखो दो तरीके का पेपर होगा, कभी टफ आ जाता है, कभी इजी आ जाता है, इजी पेपर आए तो भी एकदम से खुशी के मारे तुम्हें गलत नहीं सब कर देना है, और पेपर मान लो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई पसीने छूट गए, अरे ये क्या आ गया, बहुत घुमा रहा है, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, बगल वाला तो खूब अच्छे से पेपर कर रहा है, तो भी तुमको एकदम शांत रह के पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही अप्लाई करने हैं उस पे, ठीक है, क्योंकि पेपर तुम्हारा है, सॉल्व तुम ही करोगे, अगल बगल वाले नहीं करेंगे। और तीसरी एक चीज, कभी भी अब तुम्हारे आगे वाला, तुम्हारे बगल वाला पूरा मार लगा पड़ा है पेपर को सॉल्व करने में, तुमको लगे भाई ये बहुत पढ़ के आया है क्या, लॉ इसका एक तो दिख गया, लॉ इसका लगा दे देख करके, या मेरा हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बगल वाले का तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी तुम्हें नहीं देखना है। एग्जाम हॉल पहुंचोगे, सेंटर पहुंचोगे, हॉल में जाओगे, अपनी सीट पे बैठ के अपनी कॉपी, अपना पेपर, नहीं तो आंखें बंद, इतनी चीजें करनी, किसी को देखोगे ना तो फालतू में दिमाग में टेंशन आएगा कि भाई शायद हम कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ तुम नहीं हो, तुम बहुत मेहनत करके आए हो। तो बाकी फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम करना, और अच्छा वाला एग्जाम ना सिर्फ तुम्हारा ही होगा, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम लोग टीचिंग वाला पर, बाकी आपको आगे के भी एग्जाम की तैयारी कर रही है उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग वाला पर, थैंक यू सो मच, बाकी हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करके आना, थैंक यू।